हेलो क्लास वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अगर आज का क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कैट्स तो सबसे पहले सी का आपका फुल फॉर्म क्या है कंजर्वेशन एज श्योर्ड टी का फुल फॉर्म क्या है आपका टाइगर स्टैंडर्ड तो चलिए बिना कुछ पढ़े कुछ चीज़ें हम पहले इसी तरह ऐसे ही डिस्कस करते हैं सी ए मतलब कंजर्वेशन एश्योर्ड श्योर्ड यहाँ पर हम किसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं टाइगर के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं और किसके स्टैंडर्ड की बात हम करेंगे जो भी आपके टाइगर रिजर्व्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो चलिए एक चीज़ और आप मुझे बताइए बिना कुछ पढ़ेगी ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा तो याद रखिएगा ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट के अंडर में आएगा ये टॉपिक ठीक है दूसरी चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आपका एनटीसीए आता है एनटीसीए आपका क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एन आपका होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर में आती है उस उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया में जितने भी फिफ्टी टाइगर रिज़र्व्स हैं वो आपके कैट्स के स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करेंगे ठीक है इतनी बात सबको समझ में आ गई अब दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखने में रखने वाली है वो ये है इंडिया इज द फर्स्ट एमंग द थर्टी टाइगर रेंज कंट्रीज़ टू नेशनली अडॉप्ट द कैट्स मैंने आपको क्या बोला भारत एक पहला ऐसा देश है जो कि आपके कैट्स के स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करेगा अब कैट आपका क्या करेगा कैट के बारे में हम कुछ जानते हैं कैट कैट्स कैट आपका क्या है इज़ अ कंजर्वेशन टूल डैट सेट्स बेस्ट प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड टू मैनेज टारगेट स्पीशीज़ यहाँ पर आपका टारगेट स्पीशीज़ कौन है आपका यहाँ पे टारगेट स्पीशीज़ आपका टाइगर है एंड इनक्रेज द असैसमेंट टू बेंच मार्क द प्रोग्रेस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइगर इज़ द फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है टाइगर आर द फर्स्ट स्पीशीज सेलेक्टेड फॉर दिस इनिशियटिव ठीक है अब ये जो कैट्स है आपका इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड थर्टीन द टूल वॉज डेवलप्ड इन कोलेब्रेशन विद द फील्ड मैनेजर टाइगर एक्सपर्ट्स एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज इंगेज इन द टाइगर कंजर्वेशन अब जो कैट्स है आपका इट इज़ अ पार्टनरशिप ऑफ टाइगर रेंज गवर्नमेंट्स इंटर गवर्नमेंट एजेंसीज इंस्टीट्यूशन एन जी ओ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन और इन सब की मदद आपका कौन करेगा डब्लू डब्ल्यू एफ ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इज द हेल्पिंग टाइगर रेंज कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द कैट्स अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है तो कुछ एम सी क्यूज ऑफ सॉल्व करिए आपका जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा तो चलिए हम लोग एम सी क्यू देखते हैं पहला एमसी आपका है आप इसको पढ़िए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एमंग दर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज टू नेशनली अडॉप्ट कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क विच आर अ सेट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड से बेंच वर्क फॉर मैनेजिंग कंजर्वेशन साइट्स इसका आंसर क्या है गाइस वन टू थ्री फोर आंसर मिल गया होगा आपको आंसर इज इंडिया मैंने आपको बताया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए With reference to the All India Tiger Estimation Report 2018, consider the following statements. First, the All India Tiger Estimation is undertaken every two years. The latest in 2018. Second, the Jim Corbett National Park in Uttarakhand has the most number of the tigers. Which of the statement given above is/are correct? इसका आपका कौन सा आंसर सही है इसमें ओनली टू आपका जो भी टारगेट एस्टिमेशन रिपोर्ट जो होती है वो हर चार साल में आती है ना कि हर दो साल में नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल टाइगर डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज ऑब्जर्व ऑन जुलाई ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन रिजॉर्व डबल द टाइगर नंबर अक्रॉस their रेंज बाई by 2022 इसका आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर है आपका वन एंड टू तो चलिए क्लास मुझे लगता है आज का ये पाँच मिनट का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा अगर यूजफुल रहा है तो प्लीज लाइक द लेक्चर और कमेंट करना मत भूलिए थैंक यू और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करिए थैंक यू क्लास